नमस्कार दोस्तों, और आज मैं एक विशेष विषय पे, एक विशेष सब्जेक्ट पे, एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूं, और वो टॉपिक है ड्राइवर। ड्राइवर, जी हाँ, ड्राइवर मतलब चालक, मतलब सारथी, जिसकी शुरुआत स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया कि ये ड्राइवर का जो काम है, ये चालक का जो काम है, जो सारथी का काम है, ये कितना महान है। क्योंकि महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सारथी सारथी स्वार्थी, अरे भैया तो शक्ल से ही स्वार्थी लग रहा है, चालक की बात कर रहा है, चालक। अरे नमस्कार ड्राइवर साहब, आप इस पूरी बोतल खाली करके आया हूँ, अब ड्राइविंग ले जा रहा हूँ। मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव। हाँ, ड्रिंक एंड ड्राइव। अब ड्रिंक कर लिए, अब ड्राइव करूंगा। अरे लेकिन आपने बोर्ड नहीं देखे, लिखा रहता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। देश में 50% ये जो बोर्ड लगे हैं ना, उसमें डोंट तो मिट गया है, और कुछ 50% हम जैसे ब्यूरो ने पान खा के डोंट पे थूक दिया है। आई डोंट लाइक डोंट। अरे ये बहुत ड्रिंक एंड ड्राइव, बहुत पावन काम है ये, पूरा होश में ही पावन। अबे रावण, शक्ल से रावण दिख रहा है, होश में करना चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी ही मुझे प्रेरणा देती है, उसके नाम प्रेरणा है। अच्छा। पत्नी ने और मैंने मिलकर हाँ। घर बार संभाला है, घर वो संभालती है और बार मैं संभालता हूँ। वो मुझे बोलती है, तू ड्राइवर है तो क्या फायदा इतना कमाई का तेरे, तू ड्राई सूखा वर है, सूखा सूखा, सूखी वर नहीं है, सूखा सूखा वर है। इसलिए उसको खुश करने के लिए मुझे थोड़ा गीला करना पड़ता है, वरना वो रोज गीला शिकवा करती है, तो गीला करना पड़ता है। अब मैं ड्राइवर नहीं, गिलावर हूँ। अरे दिलावर भाई, आप तो दिलावर भाई थे, गिलावर भाई बन गए। क्योंकि क्या है, शराब जो है ड्राइविंग के का सबसे पहला नियम है, शराब पीना ड्राइविंग जो है वो प्रेरणा देती है। कैसे? अब मैं ड्राइविंग करने कार में बैठता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, वहां मुझे सबसे पहले दिखता है परमिट। हाँ तो परमिट, परमिट, परमिट। तो अबे हमारे लिए तो कार और हमारी ड्राइविंग, हमारा जो जगह है ड्राइविंग की, वो तो हमारे लिए घर की तरह, रूम की तरह है, वही हमारा घर बार है। तो परमिट दिखा तो हमको लगता है ये परमिट रूम है, पीना शुरू करो। उसके बाद फिर वैसे उठा के दो तीन पैक लेके कर देते हैं, क्योंकि दो पैक पीते हुए सामने दिखती मुझे आरसी। हाँ तो आरसी तो चाहिए ना गाड़ी में। हाँ तो आरसी जब रहेगा बेवारसी, मेरे नकली हर्षद वारसी, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, और बेवड़े लोगों के लिए तो आरसी क्या जरूरी है। हाँ तो फिर आरसी पी लेता हूँ, मतलब रॉयल चैलेंज। हाँ इसलिए भैया हम बहुत चैलेंजिंग काम करते हैं, ड्राइवर लोग का बहुत चैलेंजिंग काम होता है। अरे भाई आप सफर में जाते हो, इधर उधर से गाड़ियां आती हैं जाती हैं, ध्यान से चलाना पड़ता है, और आप ये सब करते हो पीने के बाद। देखो सफर जो है वो आसान कैसे होता है, कैसे होता? जब आपका मन प्रसन्न हो। हाँ। तो आप देखिए कि जैसे लोग, हमारा जो सेठ है बेजान दारू वाला सेठ, हाँ वही हमें उसका नाम से ही हमें प्रेरणा मिलती है, कि जो मतलब गाड़ियों का अगर सेठ ही, गाड़ी की इतनी कंपनी वाला सेठ ही खुद बेजान दारू वाला है। हाँ। तो सोचो दारू वाले, दारू का कितना बड़ा सपोर्ट होगा उसको। तो वो बोलता है, बापू आप ड्राइविंग में जा रहे हैं तो कार को जो है पूरा टाकी फुल कर देना। हाँ कार को बोलता है या बोलता है कि टांकी फुल कर देना, मतलब क्या बोलता है? कार इतना धीरे बोलता है कि टांकी फुल ही सुनाई देता है। अच्छा। तो हम सोचते कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोबारा सेठ से पूछ के बुरा मानेगा, इसने बोला तो है टांकी फुल। हाँ। अपनी टांकी फुल कर लेते हैं। टांकी फुल, और जबकि करनी चाहिए कार की टांकी फुल, और करते हो अपनी टांकी फुल। देखो अब क्या है, जो आदमी पी के फुल हो जाता है उसको लोग क्या कहते हैं, टुन है। हाँ, ये टुन है, ये टुन हो चुका है, ये टुन है। हाँ, 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 अब अगर कार को फुल कर दूंगा तो लोग कार को टुन कहेंगे, और मेरी प्यारी कार को कोई कार टुन कहे, मैं पसंद नहीं कर सकता। देखो इंसानों में कार्टून हो सकता है जैसे कि तू है, कार में नहीं यार, कार और सरकार के साथ मजाक नहीं।
वरना फिर वो आपके साथ मजाक करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वही तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब आप जाते हो रोड पे, गाड़ियां बहुत सारी चलती हैं, तो ओवरटेक प्रेरणा मिलती है हमको। वो बोलती कि हम ओवरटेक कर रहे हैं, तू कैसा, तू लिमिट में टेक करके चल रहा है, तू भी ओवरटेक कर। तो उस टाइम पे तो मैं ज्यादा मतलब ओवरटेक हेडलाइट को देख के बोलता कि आज लाइट नहीं, आज हेड जो है लाइट मांग नहीं मांग रहा, ओवरटेक मांग रहा है। तो ओवरटेक, ताकि क्या है, हम भी आज की रफ्तार से कदम मिलाकर चला सके, इसलिए ओवरटेक तो मांगता ही है। तो रफ्तार कैसे, मतलब? हाँ, शहर में जो है, शहर में जो जाम होता है, वो भी पीने के लिए प्रेरणा देता है। चक्का जाम तो होता ही आप लोगों की वजह से है। हाँ, जब चक्का जाम होता है तो अगला जाम चक्का, तो आपको बुरा क्यों लगता है? चक्का अगला चक्का क्यों बुरा लगता है? ये ट्रैफिक जाम है, ये जाम है जो है वो ट्रैफिक में मिलेगा, क्योंकि आजू बाजू में इतनी गाड़ियां होती है, सब कहती पी 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 पी, हर किसी का मन तो नहीं तोड़ सकते, दिल तो नहीं तोड़ सकते, वो बेचारे प्रेरणा देते हैं। मतलब आपके साथ जनमत है पी। हाँ, जनमत। और उसके बाद फिर वो जाम हट जाता है, फिर हम अपनी रफ्तार में स्पीड में फिर आ जाते हैं। तो ये भैया जरूरी है, तो आप तो स्पीड ही इतनी बढ़ा देते होंगे। और क्या है, देखो मैं रोज का ड्राइवर हूं, तो मेरे ड्राइविंग के बीच में बॉम्बे से गोवा जाता हूँ, गोवा से बॉम्बे आता हूँ, ठीक है। तो एक नाका तो पड़ता ही पड़ता है, साकी नाका। और जो चेक नाका पड़ता है उसका क्या? अबे वो चेक नाके वाले तो ऑलरेडी पिए होते हैं। अबे जिस नाके पे तुम कैश लेते हो उसे चेक नाका क्यों कहते हो? इसीलिए अब बॉम्बे से गोवा, गोवा से बॉम्बे मैं डेली आता हूँ, डेली। अब डेली को हिंदी में क्या कहते हैं? बार बार, मतलब आपके कहने का, तो कहा? बार बार, बार बार, बार बार जब आओगे तो बार तो याद आएगा ना, प्रेरणा दे रहा है ना आपका रोजा, आपकी रोजी खुद आपको रोजी से अच्छा याद है। ज्यादातर दारू की आंटी जो है वो रोजी होती है, लेकिन जो आपका कारोबार है उसके साथ तो कम से कम हाँ, अच्छा अच्छा, अब तू मुझे प्रेरणा दे रहा है। कारोबार मतलब ये जो मेरा धंधा है, ये कार का और बार का धंधा, मान गया, समझ गया तू? भैया सुनो, उसके बावजूद भी लिमिट का समर्थक हूं मैं। कैसे? पहले 30, फिर 60, फिर 90, लिमिट में ही चला। तो भैया अनलिमिटेड मेरा काम नहीं होता है, कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं। इसलिए भैया मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भैया ड्राइविंग जो है वो हमेशा अच्छे से होनी चाहिए, समझे? अब तो तेरे तो सारे सवाल खत्म हो गए होंगे, क्योंकि अब क्या बोले आदमी, अब तो मेरी समझ में सिर्फ एक ही चीज आ रही है। हाँ, आप तो एक बात याद रख, अपने देश के जो रस्ते हैं, कभी तूने वो देखे? वो भी पीने के लिए प्रेरणा देते हैं। कैसे? अरे गाड़ी ऐसी गिर पड़ के उबड़ खाबड़ रास्ते से चलती है, गाड़ी का खुद का बैलेंस नहीं बनता है, गाड़ी खुद लहराती है। तो अब जब गाड़ी लहराती है, तो आदमी सोचता है जब मेरी गाड़ी खुद लहरा रही है, तो क्या मैं बप्पी लहरी हूँ जो लहरा हूं? नहीं। तो फिर उसका सम्मान रखने के लिए गाड़ी को बुरा नहीं लहरना चाहिए ना, कि सिर्फ मैं ही लहरा रही हूँ, तो मैं भी 2-3 बाइक भी लेता हूँ, ताकि गाड़ी को लगे कि मैं भी लहरा रही हूँ, वो भी लहरा रही हूँ। और रास्ते में गड्ढे कितने सारे, गटर कितने खुले हुए हैं। हाँ, खुला हुआ गटर हर रास्ते में मिलेगा आपको, हर नाके में मिलेगा। खुला हुआ गटर क्या प्रेरणा देता है? आओ, आपका स्वागत है, अंदर आओ, आपका स्वागत है। इतने सारे गटर खुले हुए हैं कि उनके अंदर घुसने के बाद आपको उस गटर से प्यार हो जाता है। गटर एक प्रेम कथा। इसीलिए कहता हूं कि ड्राइविंग को जो है, ड्राइवर को जो है, वो अगर पी रहा है तो वो ड्यूटी ही उसकी, वो ऑन ड्यूटी है। याद रखो मेरी बात से, तुम खुश तो हुए नहीं होंगे, और अगर हुए होंगे, प्रसन्न हुए होंगे, तो मेरी दारू जो उतर गई है मुझे फिर से पिलाओ। नेविगेशन की जरूरत नहीं है, दुनिया की कहीं भी दारू की दुकान हो, हाँ, हम ड्राइवर लोग हाँ, बिना नेविगेशन से दारू की दुकान में पहुंच ही जाते हैं। तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा।
अब मुझे भी पिलाओ। चल मेरे संचालक। अच्छा गुरु एक बात बताओ। बोलो। कि आपने इतनी तारीफ कर दी कार की और बार की, लेकिन एक चीज बताओ, कार में आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? भाई देखो, कार में मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगती है हाँ? वो ग्लास। ग्लास ग्लास ग्लास। और सुनो, ज्यादा सबक मत दो, हम लोग मेहनत मजदूरी से अपनी गाड़ी कमाई से पीते हैं, गाड़ी कमाई से ड्राइवर पीता है, समझे? मैं निकला गड्डी लेके 100-100 की पीने के लिए, ठीक।